Hello friends, this is Chavilo here. Welcome to my channel Avirat Study Center. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का हम रिवीजन के तरीके से डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में हम लगभग हमारा टारगेट है चार चैप्टर का डिस्कस करना। क्लियर, हम चार चैप्टर इस वीडियो में टारगेट किए हैं रिवीजन के तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे? रिवीजन के तरीके से। बहुत जल्दी जाएंगे, इतना डिटेल्स हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं, आपको थंबनेल में मिल जाएगा चार चैप्टर हुआ है या फिर आपको जो थंबनेल में जितना चैप्टर दिया गया है उसको उतना ही इतना ही हमारा डिस्कस किया होगा, ठीक। तो पहला चैप्टर हम जाएंगे ज्योग्राफी के रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जो हमारे रिसोर्सेस है, जो हमारे एवरीथिंग हमारे एनवायरमेंट में है, उसको आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक नॉन बायोटिक हैं, ये सब जो रिसोर्सेस हैं इसको हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे या डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सब चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। बहुत जल्दी जाएंगे, ठीक। देखिए, पहले हम जान लेते हैं रिसोर्स क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल हमारे एनवायरमेंट में जो जो चीज़ है और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस बोलेंगे। और इसको ये कैसा होता है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, हम टेक्नोलॉजिकली उसको एक्सेप्टेबल कर पाएंगे, टेक्नोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और ये इकोनॉमिकली मतलब फ़ायदा होता है, फिजिबल होता है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हमारे कल्चर, हम जो रिसोर्स बनाएंगे वो हमारे कल्चर एक्सेप्ट करेंगे, हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, हमारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसी को ही हम रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ दिया है आपका, एक फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है वो हमारा नेचर है, ठीक। और इसको टेक्नोलॉजिकली हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको कहाँ यूज़ करेंगे ना, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए उसको प्रॉपरली डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये तीनों फैक्टर का एक ही लोग करेक्ट कर सकता है, वो है ह्यूमन, ठीक। ये वही चीज़ दिया है, क्लियर। और उसके बाद हम करेंगे कि हमारे रिसोर्स जो है वो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है टाइप्स के हिसाब से। जैसे कि मैं वही बोल रहा था, ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, एबायोटिक। माने बायोटिक का मतलब क्या है? बायोटिक का मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हो, ऐसा रिसोर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हो। जैसे कि हम बात करेंगे वुड, वुड एक क्या है? बायोटिक रिसोर्स। ये वुड जो बनाया गया है किससे बनाया गया है? ट्री से बनाया गया है। कहाँ से बनाया गया है? ट्री से बनाया गया है, सिंपल की बात। ट्री क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और यहाँ पर एबायोटिक का मतलब क्या है? कोल। कोल कहाँ से बना है? बहुत सारे सड़े हुए चीज़ से बना है, ठीक है। हम बोले कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशंस, हम बोलेंगे ये कंपोजिशन जो है, ये जो कंपोजिशन है ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ये इसका जीवन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एबायोटिक बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। अब तो पता है रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है। रिन्यूएबल मतलब जो कि ऐसा चीज़ न्यू तरीके से हो सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। नॉन रिन्यूएबल हम इसको रिन्यूएबल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कोल है, इसको हम हमारे हिसाब से नहीं कर पाएंगे, वो नेचुरली है, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप के हिसाब से, आप किसी कोई किसी ने एक इंडिविजुअल ने अपना रिसोर्स रखा है, या कम्युनिटी ने रखे हैं, दो चार लोग रखे हैं, या नेशनली है या इंटरनेशनली है। जो रिसोर्स नेशनली है उसको हम नेशनली बोलेंगे, जैसे कि हम हमारे इंडिया में जो जैसे चीज़ है सॉयल है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में जितने सॉयल जाते हैं वही है। या हम इंदस रिवर बोलेंगे, हमारे इंदस रिवर जो है वो इंडिया में जितने दूर तक गया है वो हमारा रिसोर्स है। इंदस रिवर के बाद जो है, हमारे इंडिया के बाद जो जाता है वो पाकिस्तान में जाता है, तो पाकिस्तान का रिसोर्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। और एक हम इंटरनेशनल रिसोर्स, समझे, ठीक। और एक चीज़ है, अब बात करेंगे तो पोटेंशियल रिसोर्स है, डेवलप्ड रिसोर्स स्टॉक है, रिसोर्स रिजर्व रिसोर्स है, ठीक है, क्लियर। आपको रिसोर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, यह मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद रिसोर्स को हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे? ह्यूमन बींग ही कर पाएगा। कौन कर पाएगा? ह्यूमन ही कर पाएगा, और कौन पर कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट क्यों रुक रहा है, रुक क्यों रहा है। इसके लिए देखिए, हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को डिप्लेशन कर रहे हैं, मतलब नष्ट कर रहे हैं। क्यों? हमारे छोटे छोटे नीड के लिए भी, जो आवश्यकता नहीं है हमारे, उसके लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डिप्लेशन हो रहा है रिसोर्स, ठीक। और उसके बाद क्या है, और ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स कम लोगों के पास है, किसके पास है? कम लोगों के पास है, ठीक है, जिसको ज़रूरी है उसके पास नहीं है, ठीक है। मैं मान लो मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ,
ठीक है, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, मेरे पास पूरा क्वालिटी है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, जिसके पास पैसा है उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो ये रिसोर्स किसके पास रहेगा? रिच पीपल के पास रहेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो ऐसे क्या कर पा क्या जा रहा है, जिसके पास रिसोर्स है वो अपने रिच पीपल हो जा रहा है, जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो पुअर है, टैलेंट होकर भी पुअर है। नहीं, अभी के हालात अलग है, वो थोड़ा सा अलग बात पर कीजिए, ये जो बुक है मैं वही दिया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है और कैसे इनडिस्क्रिमिनेट होके रिसोर्स है, जैसे मैंने अभी बोल रहा था, जैसे कि आप यहाँ बात करेंगे, देखिए इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेशन। जैसे कि मैं आप एग्जांपल दें, आप देखोगे राजस्थान में रिसोर्स है, ठीक है, उतना नहीं है जो बाकी हमारे एरिया में देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू में जितना मिलता है उतना राजस्थान में नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके से फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर है, ठीक है, उसको अलग तरीके से बनाया गया है, मिट्टी जो है वो अलग तरीके से बना है, ठीक, इसलिए अलग अलग है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि ये जो रिसोर्स है इसको हम कैसे हम सस्टेनेबल डेवलप करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इसको हम कैसे कंजर्व करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कैसे अभी के रिसोर्स को बचा के रखेंगे, उसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब रिविजन है तो इसलिए स्पीड जा रहा है। तो इसके लिए एक जगह पे मीटिंग हुआ था जिसको हम रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट 1992 ये हुआ था, ये जून के महीने में हुआ था, और यहाँ पर 100 स्टेट्स के हेड थे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था ना, ब्राज़ील में था, हुआ था ये इंटरनेशनल आर्ट समिट, क्योंकि 100 स्टेट का है, ठीक, कंट्री का वन बात करें तो। उसके बाद क्यों ये किया गया, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री का ग्लोबल लेवल में, ऐसा नहीं कि एक जगह पे या दो जगह पे, ग्लोबल लेवल पे कैसे ये हमारा रिसोर्स ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया एजेंडा 21, किस लिए, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21 का। तो एजेंडा 21 कौन सा है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन रखा गया जिसका नाम है यूनिसेड, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ये 1992 में रखा गया और ये ब्राज़ील में ही हुआ था, वही जगह पे हुआ। तो ये क्या हो गया, इट एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल, ये इसका अर्थ क्या है कि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, ये उसका एजेंडा था। इसलिए जैसे कि आप लोग एनवायरमेंट डैमेज करते हो, पॉवर्टी है, डिजीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए, या किसी ग्लोबली डेवलपमेंट करने के लिए, कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए यूनिसेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रखा था एजेंडा 21। ठीक, ओके, तो इसको कैसे रखेंगे हम इंडिया में, कैसे कर पाएंगे रिसोर्स प्लानिंग, कैसे कर पाएंगे हम रिसोर्स को, कैसे हम बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ख़त्म ना होगा, जिसका जितना ज़रूरी है उतना हम कर पाएंगे। जैसे कि हम बात करेंगे, देखिए इंडिया में बहुत सारे एरिया है, जैसे कि इंडिया का अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसोर्सेस है। राजस्थान में जाओगे आप तो ऑयल फील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है आसाम जो है आपका ओल्डेस्ट ऑयल ऑयल रिफाइनरी सेंटर है, या प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना ये, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद देखिए अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा, झारखंड मध्य प्रदेश इस जगह पर देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से, ठीक, ओके, वही जो एग्जांपल दिया गया राजस्थान, इसमें सोलर सिस्टम है, विन एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे हम बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइमस्टोन देखने को मिलता है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ लाइमस्टोन यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लद्दाख में देखोगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स इंडिया में आप कंपेयर करोगे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रिसोर्सेज, ठीक है। तो इंडिया में जो है रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर दिख रहा है, तो इसको हम प्रॉपरली प्लानिंग कैसे करेंगे, कहाँ पर कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या प्लानिंग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 3-4 मार्क का क्वेश्चन पूछ जाता है, तो क्या क्या करेंगे आप, देखो क्या करेंगे आप लोग, आप पहले करेंगे कि ये जो रिसोर्स है, ठीक है, कौन से रीजन में कैसा है, कितना है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसी के हिसाब से अब क्या करेंगे, सर्वे करेंगे कहाँ पर कितना है, कितने क्वालिटी का है और कितने क्वांटिटी है, तो इससे मेजरमेंट करके आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे, कुछ प्लानिंग स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है, और
प्रॉपरली टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, कुछ स्किल लेबर यूज़ करोगे या स्किल डेवलपमेंट करोगे, एंड कुछ इंस्टीट्यूशन खोलोगे इसके लिए जहाँ पर जितना है और जितना आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो करोगे, और जहाँ बेनिफिट देगा वहीं करोगे, और जहाँ बेनिफिट नहीं देगा वहाँ नहीं करना है। मान लीजिए एक जगह पर कम रिसोर्सेस है, यहाँ पर एक लाख का हम रिसोर्सेस है, लेकिन वहाँ जब खर्च करने के लिए आपको लगेगा 10 करोड़, तो यहाँ पर आप मत किया कीजिए, यहाँ पर आपको नुकसान है। तो प्रॉपरली आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कर पाएंगे, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ऐसा नहीं कि आप देखिए रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए आपने इंडिविजुअली डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आपने पर्सनली डेवलपमेंट के लिए मत करो, नेशनल डेवलपमेंट के लिए करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप पर्सनली डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ खर्च कर देते हैं, लेकिन आपका क्या है अलग तरीके, आप पर्सनली डेवलपमेंट करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप किसको नहीं देख रहे हो, आप नेशन को नहीं देख रहे हो, तो वो प्रॉपरली आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझे ये चीज़ को, ठीक। और उसके बाद हम जाएंगे, इसमें आपको बोल रहा है कि हम प्रॉपरली टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, इंस्टीट्यूशन हमारा होना चाहिए, ठीक है, वही बात कर रहा है, ठीक है। देखो और बोल रहा है कि हमारा क्या होता है, यहाँ पर जब हम कॉलोनाइजेशन हुआ था हमारे इंडिया, जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो यहाँ पर हाइजर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था कॉलोनाइज पीरियड में, कि डेवलपमेंट हुआ था, टेक्नोलॉजी हुआ था डेवलपमेंट, ये हम एक्सेप्टेबल करते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, लेकिन एक्सप्लोर करते थे रिसोर्सेस को, बहुत सारे नुकसान कर दिए हैं ब्रिटिशर्स, इसीलिए हमारा अभी हम प्रॉब्लम्स में पड़ रहे हैं। जैसे कि हमारा गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज बोलते थे, इतने सारे रिसोर्सेस था, ठीक है, और उतना डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे तो उतना डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट जगह पर अप्रोप्रिएट काम कीजिए। इसीलिए इंडिया का जो है आपका देखोगे जनरली रिसोर्स हो गया, रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अ पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और ह्यूमन जो रिसोर्स एक्स्ट्रा करेगा वो स्किल होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए, नहीं तो आपका बेफालतू चला जाएगा। तो इसको हम कैसे कंजर्व करें, रिसोर्स है तो कंजर्व करना ही तो पड़ेगा, ऑब्वियसली हमारे इंडिया में वाइटल है, इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट की एक्टिविटी के लिए, रिसोर्स जरूरी है, ठीक है। देखिए लेकिन हमारे क्या हो रहा है ना, इरेशनल कंजप्शन। इरेशनल मीन्स मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं है, मतलब किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, इरेशनली है, और ओवर एक्सप्रेशन यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना जरूरी है उतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जितना जरूरी है ही नहीं उसको हम ज़्यादा कर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्स का, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए होता है हमारे, कंजर्व नहीं कर पाते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और क्या आप यहाँ पर बात कर पाएंगे, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमारे गांधी जी बोलते हैं कि देयर इज एनफ, बहुत परिमाण में आपका हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस है, ठीक है, और एवरीवन के नीड को सेटिस्फेक्शन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स है, लेकिन नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड, मतलब अपने पर्सनली के लिए ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही बोले थे हमारे गांधी जी। और यहाँ पर जैसे कि हम ग्रीडी करते हैं, सेल्फिश इंडिविजुअल होता है, एक्सप्लोटिव नेचर होता है, लोगों के पास क्या होता है, हमारे ही डेवलपमेंट करेंगे, हम खुद का पर्सनैलिटी करेंगे सेल्फिश इंडिविजुअल्स के कारण, हैं बहुत सारे आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज़ के लिए हम एक्चुअली हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, इसको रोकना पड़ेगा, हमारे कंजर्व नहीं कर पाएंगे रिसोर्सेज को, ठीक है कि नहीं, ठीक। ये पर वही बात दिया है, एक स्टोरी की जैसे दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना होगा, रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, आपको पता दिया गया, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद पहला रिसोर्स है हमारा लैंड रिसोर्स।
ठीक है। अगले चैप्टर में आप देखोगे अलग अलग फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, आउटर वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज का। तो पहले हम लैंड रिसोर्सेज जाएंगे। लैंड रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है आपका देखे हो गए, हम जब बात बात कर रहे थे क्लास नाइन में, आपका जो इंडिया का जो तो लैंड रिसोर्स है वो कितने किलोमीटर तक है, 15,200 किलोमीटर तक है कि नहीं लैंड, ठीक है। और वाटर रिसोर्स कितना है, मतलब हम कोस्टल एरिया 6,100 है, और अंडमान इसको मिला के कितना है, अंडमान निकोबार को मिला के 7,516.6, ठीक है, 0.6 किलोमीटर है टोटल को मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जान ली क्या क्या मैंने कहा। तो इसमें क्या है लैंड रिसोर्स आप देखोगे तो आपका कुछ एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा, प्लेन्स इलाका देखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 43% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और माउंटेन इलाका है 30% और आपका प्लेटू इलाका है 27%, ठीक है, इसको हम समझेंगे देखिए, ठीक है। तो हम जो इंडिया है ये बता दिया ऑलरेडी, तो इंडिया है वो लैंड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप देखेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर देखेंगे तो जो लैंड है वो फॉरेस्ट के तरीके से है, यूएस मतलब जहाँ फॉरेस्ट है वो तो यह है उसको। उसके बाद क्या है आप देखेंगे, और जो एरिया जहाँ पर कल्टीवेशन होना हो पाता नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब क्या है, बैरन लैंड इज लैंड दैट इनफर्टाइल एंड अनएबल टू सपोर्ट प्लांट को, ऐसा एरिया जहाँ पर हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे प्लांट को, ठीक। और वेस्ट लैंड है आपको तो पता है जो लैंड ऐसा कि वेस्टेज है उसके, ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर यूजेस नहीं होता, जैसे कि आप बिल्डिंग बना लेते हो, रोड बना लेते हो, फैक्ट्री बना लेते हो, वो जो ऐसा लैंड एग्रीकल्चर के सूटेबल है लेकिन आप बना दे रहे हो बिल्डिंग रोड्स फैक्ट्रीज, ठीक है। और ऐसा है जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जैसे कि परमानेंट पेस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड है, मतलब जो कि आप परमानेंटली उसको चरवाने के लिए यूज़ कर देते हो। और ऐसे और क्या है लैंड, जैसे कि आपका मिसलेनियस होकर ट्रीज आप क्रॉप ग्रोप्स है वहाँ का ट्री है, जैसे कि नेटसोन एरिया माना जाता है। नेटसोन एरिया क्या है, नेटसोन एरिया जो कि टोटल एरिया जो कि हमारे क्रॉप्स उगाने में इंक्लूडिंग करते हैं, जैसे कि आप देखोगे पंजाब और हरियाणा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेटसोन एरिया है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता दे रहा, बाद में नहीं बोलना है फिर। उसके बाद क्या है फेलोलैंड्स क्या, कोरेंट फेलोलैंड मतलब फेलोलैंड मीन्स क्या है कि दो चार साल के लिए हम एग्रीकल्चर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे मतलब छोड़ छोड़ के करेंगे। तो कोरेंट मतलब अभी रिसेंटली एक और दो साल के लिए हम जब यूज नहीं करते हैं तो उसको हम कोरेंट फेलोलैंड करेंगे, ठीक है। और नेटसोन एरिया क्या है जो मैंने बोल दिया है, जो कि नेटसोन एरिया जो कि हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे एरिया को जो कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा कैसा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा जगह पर जहाँ पर टोपोग्राफी सूटेबल है, एरिया जहाँ पर जैसा है, ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन में आपको बहुत ज़्यादा आपका लैंड यूज होगा, आपका माउंटेन इलाका में नहीं होगा। उसके बाद राजस्थान में उतना है ही नहीं क्योंकि डेजर्ट है, ठीक है। और नीचे देखोगे तो आपका डेक्कन प्लेटू है, पेनिनसुला प्लेटू है, उस एरिया में नहीं होता है। और कुछ जो है वो क्लाइमेट अलग होता है, कहीं ज़्यादा गर्मी है तो राजस्थान में जाओगे तो गर्मी ज़्यादा है, वहाँ लैंड यूटिलाइज नहीं होगा। आपका लद्दाख में जाओगे, लद्दाख में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी है तो वहाँ होगा ही नहीं उतना, ठीक है। तो प्रॉपरली हम देखेंगे तो क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट होता है, और सॉइल टाइप कहाँ पर कौन सा सॉइल मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ लेना बात को मैं जो बोल रहा हूँ। तो सॉइल टाइप आपका एलुवियल सॉइल ज़्यादा होता है, आपका ब्लैक सॉइल में नहीं होता है उतना, आप जाओगे ये रेड एंड येलो सॉइल में उतना नहीं होता है, ठीक है, एज इट कम्पेयर टू द अलुवियल सॉइल। तो सॉइल कैसा है वो क्या है वो सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट करता है, और उसी के हिसाब से लोग जो है वो रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी रहता है वहाँ ज़्यादा रहता है। आपका यार देखोगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और आपका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, मतलब आप क्या बात करेंगे, जहाँ पर टेक्नोलॉजी होता है वहीं लोग रहते हैं, कल्चरली उसको एक्सेप्ट, कल्चरली ट्रेडिशन ये चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्शन करता है वहीं लोग रहते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे कल्चरली मतलब आप जाओगे जहाँ राम मंदिर है आपका अयोध्या में, ये सब चीज़ में जहाँ कल्चर जहाँ मतलब हमारा हिंदुइज़्म का जो जहाँ स्प्रेड है वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे कि ना रहेंगे ना ये नहीं ठीक रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। और नेक्स्ट क्या है आपका देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिया गया है वही आपको बता दे रहा हूँ कि इंडिया में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टोटल लैंड एरिया, ठीक है। और 93% आपका देखोगे तो ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स अब आसाम एंड नॉर्दर्न, हाँ हमारे इंडिया मान लो ये इंडिया है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा, अरे यार ठीक है
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या होता है, जैसे कि टोटल 100% एरिया है, 100% में से सिर्फ और सिर्फ लैंड यूटिलाइज कहाँ होता है, 93% यूज़ होता है, ठीक है कि नहीं। 93 और 7% कहाँ गया, 7% ऐसा देखोगे जहाँ पर आसाम के इलाके देखोगे तो वहाँ प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं है, लैंड यूज़ नहीं होता है, और उसके साथ साथ कुछ पार्ट जो है वो इंडिया का कुछ चाइना में चला जाता है, कुछ जम्मू कश्मीर जैसे क्या हुआ पाकिस्तान में चला जाता है, तो उसके हिसाब से 7% कटिंग डाउन हो गया, ठीक है, और 93% हमारा इंडिया होता है, ठीक है कि नहीं। समझ गया यार, जहाँ मैं जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोग बेहतर समझ रहे हैं, समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखते हैं इसको अच्छी तरह से। हाँ भाई मैं बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। आप देखोगे नेट सुन एरिया जो कि आपका इंडिया में 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 80%, मैं रॉन्गली 93% या 90% बोल दिया, तो 80% हमारा पंजाब एंड हरियाणा में देखने को मिलता है, और 10% जो है वो इस एरिया में देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान इसमें देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है कि हमारे आपका 33% ज्योग्राफिकल एरिया में है, जो कि आप नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से 1952 में, ये हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में, ठीक है, ये बेहतरीन से आपका दिया गया है, ओके। तो हम चाहेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, लैंड कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, लैंड कैसे स्लाइड्स हो जा रहा है, लैंड कैसे आपका थोड़ा सा ख़त्म होते जा रहा है, और उसको हम कंजर्व कैसे करेंगे, वही बात कर रहे हैं। आप देखोगे 95% आप देखोगे हमारे बेसिक नीड वो कहाँ से आता है, फूड से आता है, शेल्टर से आता है, क्लॉथिंग से आता है, और वो जो है वो कहाँ से आएगा, लैंड से ही आएगा, हम डिपेंडेंट है फूड को, शेल्टर पे, क्लॉथिंग पे, और वो कहाँ आता है, वो लैंड में ही होता है। अब जाकर समुद्र में जाकर, अब ओशन में या वाटर में जाकर वहाँ नहीं करोगे, ठीक है, कहाँ करोगे, लैंड में, समुद्र में जाकर तो नहीं रहोगे, ठीक, ये सब चीज़ होता है। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है, लोगों के कार्यकलाप है, जो कि ये सब चीज़ को डिप्लेशन कर रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है लैंड को, क्यों कैसे, आप देखोगे आप मनुष्य क्या क्या कर रहा है, ये फैक्टर है, आपको क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन फैक्टर कौन कौन सा है जो कि हमारे लैंड को डिग्रेडेशन कर रहा है, वो है डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे काट दे रहा है, ओवरग्रेजिंग कर रहा है, ज़्यादा चरबाने से क्या होगा, आपका देखोगे पंजाब हरियाणा के एरिया में वहाँ ज़्यादातर क्या होता है, राजस्थान के इलाके में ये वही बात करते हैं, नहीं नहीं राजस्थान है आपका, हाँ देखेंगे उसका, ठीक है, वहाँ दिया हुआ है आपको डिटेल। उसके माइनिंग एंड अक्वायरिंग, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा माइनिंग होता है वहाँ लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि माइनिंग स्टेट आप देखोगे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इस एरिया में क्या होता है ना, यहाँ ज़्यादातर आपको लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ माइनिंग होता है, माइनिंग के कारण क्या होता है, इस जगह पर माइनिंग किए हैं, यहाँ पर गड्ढा खोल दिए हैं, तो ये क्या होगा, पानी आएगा, पानी को स्लाइड्स होकर चला जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, और जिस एरिया में माइनिंग कर रहे हैं वहाँ आपका कल्टिवेटेड होगा ही नहीं, ठीक। जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें ओवर ग्रेजिंग कोई मैंने डिस्कस कर रहा था ना, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, लोग वहाँ ज़्यादा चरवाने जाते हैं। अब पेस्टोरलिस्ट नाम का टॉपिक आपका क्लास नाइन में है, जो कि लोग वहाँ चरवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा चरवा देते हैं, तो वहाँ का जो प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स है, ठीक है, वो रहता नहीं रहता है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली आपका लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक, और उसके कारण पंजाब और हरियाणा में देखोगे, उत्तर प्रदेश में देखोगे, ठीक, यहाँ ओवर इरीगेशन होता है, ओवर इरीगेशन के वजह से क्या होता है, आपका पानी के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। आप फ्लड के कारण देख सकते हो बिहार एरिया में आपका, या आप देखोगे आपका प्रयागराज के एरिया में जो यमुना आया है, जो गंगा आया है, यहाँ फ्लड के कारण बहुत सारे लैंड डिग्रेडेशन होता है, और कुछ लैंड सिलिनिटी के कारण हो गया, अल्कलाइनिटी के कारण होता है, सॉयल वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा एरिया में पानी आप बार बार देंगे तो पानी में कुछ नमी होता है, सलिनिटी होता है, जो कि आपको नष्ट कर देता है सॉइल की फर्टिलिटी को, और क्या करता है, इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए, वो क्या कर रहा है, केमिकल डस्ट बहुत सारे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सॉइल के लिए, तो वो सॉइल जो है वो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड ख़राब हो रहा है, उसके साथ साथ वाटर भी पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि ऐसा कुछ काम करेंगे जो कि हम लैंड को कंजर्व कर पाएंगे, कैसे, एफोरेस्टेशन करोगे भाई, ठीक है,
आप पेड़ पौधे लगाओगे और प्रॉपरली मैनेज करोगे, ग्रेजिंग कहाँ पर ग्रेजिंग होगा, कैसे हम करेंगे उसको प्रॉपरली आप मैनेज करोगे, और प्लांटिंग शेल्टर बिल्ड करोगे, बहुत एरिया में आप प्लांट करोगे, प्लांट उगाओगे, ओवर ग्रेजिंग को रोकोगे, ठीक है, और स्टेबलेशन ऑफ सैंड डूंस बाय ग्रोइंग थोर्नी बर्सेस आर सम ऑफ द मेथड चेक एंड डिग्रेडेशन, तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके माइनिंग एक्टिविटी को रोक सकते हो, हैं ये सब चीज़, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंसिंग वेस्टेज चीज़ को आप एक जगह पर ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट आप देखोगे क्लास 7 में एक साइंस में टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, आप जो चीज़ है, ठीक है, आप रिसोर्स मतलब लैंड जो है वो, या आप माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो उसको आप प्रॉपरली एक जगह पर रखिए और उसको री इस्तेमाल कीजिए ताकि किसी और जगह पर लैंड डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। अब क्या करते हैं इंडस्ट्रियल लोग, क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन केमिकल इस चीज़ को क्या करेंगे, बाहर में डाल देंगे, तो वो क्या होगा, हमारे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो उसके बाद जाएंगे लैंड, लैंड में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉयल। सॉयल आपको देखने को मिलेगा ना, सॉइल इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ से ही हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और प्रॉपर सॉयल होना चाहिए, फर्टाइल सॉयल होना चाहिए, जहाँ पर हम क्या कर पाएंगे रे, वहाँ पर कल्टीवेटर कर पाएंगे, ठीक। तो आप देखोगे सॉयल जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ड्यूरेबल रिसोर्स, ये रिन्यूअल होता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, और सॉयल बनने के लिए एक दो दिन ही लगता है, बहुत समय लगता है, ये कुछ मिल जाते हैं पेरेंट्स रॉक, छोटे छोटे रॉक्स, बैड रॉक मिल जाते हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, वेजिटेशन के कारण कुछ होता है, कुछ फॉर्म होता है जो कि आपको सॉयल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सॉयल ज़्यादातर आपका सब सॉयल जो है आपका है, इस सब सॉयल में आपको अपर सॉयल में यहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और नीचे उतना होता नहीं है, और नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पेट्रोलियम चीज़ मिलेगा, नेचुरल गैसेस मिलेगा, देखो ये चीज़ भी हमें बता दिया मैंने, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, एलुवियल सॉयल हो गया, ये सब चीज़ देखेंगे क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एलुवियल सॉयल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको देखने को मिलेगा, हैं, और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, इसमें देखने को मिलेगा एलुवियल सॉयल। जैसे कि हम बात करेंगे, हैं, या नॉर्दर्न प्लेन में हम देखेंगे, ये हो गया इंदस रिवर, आपका हो गया सतलज, चेनाब और ये झेलम, ये सब आपकर यहाँ कर मिल रहे हैं, चंबल ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एलुवियल सॉयल। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ जो गंगा है, गंगा में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रहा है, ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, एलुवियल सॉयल यहाँ पर मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखोगे डेक्कन, हमारे सदर्न इंडिया में यहाँ पर जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, इस डेल्टा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉयल देखने को मिलेगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर होने। और एलुवियल सॉइल में दो चीज़ देखने को मिलता है, एक होता है खादर एंड फंगर। खादर किसको बोलेंगे, इसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलेंगे, ऐसा एलुवियल सॉइल बार न्यूली फॉर्मेशन होता जाता है, और फंगर जिसको हम ओल्ड एलुवियल सॉइल करेंगे, ठीक है कि नहीं, क्लियर। उसके बाद एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये मोस्ट फर्टाइल होता है, ठीक है, इसमें पोटास रहता है, फॉस्फोरस रहता है, एसिड रहता है, लाइम रहता है, इसीलिए बेनिफिट होता है हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्लियर ना, क्लियर, ठीक। उसके बाद जाएंगे ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल ऐसा चीज जहाँ पर आपको रेगुलर सॉयल बोला जाता है इसको, ठीक है, कॉटन सॉयल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोला जाता है इसको, क्योंकि आपका डेक्कन ट्रे में सबसे इंपॉर्टेंट में दिखने को मिलता है, डेक्कन ट्रे में या बेसल्ट रीजन में, ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। अब डेक्कन प्लेटू आपको एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, मध्य प्रदेश की हो गया, ये इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी में, कृष्णा कावेरी में कुछ कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, ओके, ये तो ब्लैक सॉयल बोला गया। अच्छा, एलुवियल सॉइल का कुछ जो है चीज़ रह गया आपको नहीं बताया गया, ठीक है, द्वार, चौस एंड तराई, कि क्या होता है द्वास, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर आपका ये मान लो ये शिवालिक रहेंगे, शिवालिक रहेंगे कुछ 8-10 किलोमीटर के अंदर, उसको द्वास बुलाया जाता है, और उसके थोड़ा सा नीचे आपको चौस बुलाया जाता है, और उसके बाद जो मतलब आपको क्या बोलेंगे, तराई रीजन, जिसको मार्सी एरिया बोला जाता है, ठीक है, उसको हम तराई रीजन बोलेंगे, ठीक है, ओके। ब्लैक सॉइल क्या होता है, क्लेली मटेरियल होता है, इसमें थोड़ा सा दरार आता है, आप देखोगे जो आपका ब्लैक सॉइल है वो थोड़ा सा फटा हुआ जैसे दिखता है, ठीक है, उसी के कारण क्ले मटेरियल के कारण, ठीक है, वो चिपका हुआ नहीं रहता, ठीक। देखिए ये आपको देखना पड़ेगा मैप, क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि कौन से इलाके में कौन सा सॉइल जाता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, पूरा प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। ये आपका ऊपर में जाएगा क्या, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये आपको जाएगा, ये रेड एंड येलो सॉइल जाएगा,
ये एलोवियल, ये एलोवियल सॉइल है, आप देखोगे ये ब्लैक सॉइल हो गया, ये डेजर्ट आरिड सॉइल है ये आपका, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है जिससे तैसे करके, ठीक है। उसके बाद जाएंगे रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आपको देखोगे जहाँ थोड़ा सा लो रेनफॉल होता है, ज़्यादा कम बारिश होता है, जैसे कि आप डेक्कन प्लेटू के साइड में देखोगे तो उस जगह पर देखने को मिलता है। आप कुछ पार्ट में गंगा प्लेन में भी देखोगे, ठीक है, समझे कि नहीं, क्लियर। ओके नेक्स्ट है, ओके तो ये आपका देखो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ इस एरिया में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिलेगा। और ये कैसे होता है, ये होता है क्रस्टलाइन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। मतलब छोटे छोटे आप जहाँ पे देखोगे इग्नियस रॉक से बना हुआ चीज़ जो मेटामॉर्फिक रॉक है उससे बन जाता है ये, ठीक है कि नहीं। इट लुक येलो जैसे दिखता है, आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद लैटेराइट सॉइल क्या है, उसके बाद देखेंगे लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल इसके जहाँ पर एल फॉर यूज कर सकते हो लार्ज ट्रीज, ठीक है, जहाँ पर आपका देखने को मिलेगा बारिश जहाँ जहाँ ज़्यादा होता है उस एरिया में देखने को मिलेगा, वहाँ लैटेराइट सॉइल देखने को मिलता है, वही वाला बात, ठीक है। क्लाइमेट कोई इंपॉर्टेंट होता है, हाँ वेट होता है एंड ड्राई सीजन में भी देखने को मिलता है। हैप्पी रेनफॉल जहाँ होता है मैंने अभी बता दिया, ठीक है। आपका महाराष्ट्र उड़ीसा वेस्टर्न घाट्स का रीजन में बंगाल में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, जहाँ बारिश होता है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। और ये जो है वो इट इज़ ह्यूमस रिच, यहाँ पर रिच ह्यूमस होता है, यहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे लैटेराइट सॉइल में, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप देखोगे ये लैटेराइट सॉइल है, थोड़ा सा रेड जैसे दिख रहा है, ठीक, ओके। अच्छा थोड़ा सा आपको ये देखो यहाँ पर मैंने कहा कुछ जगह पर ह्यूमस रिच होता है, कुछ जगह पर ह्यूमस पुअर होता है, वो मैटर करता है कौन सी जगह पर है आरिड सॉइल, ठीक। आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा, केरला में, तमिलनाडु में, ये सब चीज़ में आपको सॉइल देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली, जो कि आपको देखना है इस सॉइल में कैश्यू नोड होता है, ये एजर्सन रीजन में प्रीवियसली 2023 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक, आपको याद रखना है ये एजर्सन रीजनिंग में पूछा गया है। उसके बाद एरिड सॉइल, एरिड सॉइल आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के इलाके में जहाँ डेजर्ट होता है, ठीक है। आपका देखने को मिलेगा ह्यूमस यहाँ पर बहुत ही कम होता है, मॉइस्चर उतना पकड़ में होता नहीं, ठीक है। उसके बाद कंकड़ लेयर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि गोड़ी मिट्टी या छोटे छोटे स्टोन्स देखने को मिलता है यहाँ पर, ज़्यादातर आपका राजस्थान में ही ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल, जहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप डेक्कन प्लेटू में देखोगे इस एरिया में थोड़ा सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक, ऊपर में भी बहुत सारे फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। माउंटेनियस सॉइल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। हिमालय रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जाएंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कैसे इरोजन होता है और उसको सॉइल कैसे कंजर्व, सॉइल को सॉइल कैसे नष्ट होता है और सॉइल कैसे उसको कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कैसे होगा, सिंपल सी बात है, लैंड जैसे होता था सॉइल भी ऐसे होगा। हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लान माइनिंग एक्टिविटी के कारण और कुछ नेचुरल चीज़ होता है, आपको पता है विंड के कारण भी सॉइल नष्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर एक जगह पर हवा चल रहा है इस सॉइल को दूसरी जगह पर ले जाएगा और डिपोजिट कर देगा, तो यहाँ का सॉइल खत्म हो गया जहाँ एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। और कुछ ग्लेशियर के कारण भी होता है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पर हिमालय रीजन में जाओगे, लद्दाख में जाओगे, तो वो अंदर सॉइल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वहाँ ग्लेशियर के कारण वो क्या होता है, वो सॉइल नष्ट हो जाता है। आप यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े पहाड़ को भी ग्लेशियर नष्ट कर सकता है, उतना ताकत होता है, ठीक है। और कुछ वाटर के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, आप देखो गलीस हो गया, ऐसे गलीस इरोजन होता है, ऐसा पर गलीस यहाँ पर दिखा देंगे, बैडलैंड यहाँ पर ये क्या है सॉइल इरोजन हो रहा है, तो गलीस ये शायद गलीस है, हाँ देखिए छोटे छोटे आपका यहाँ पर गड्ढा देखने को मिलेगा ऐसे करके, ये है गलीस, ठीक है, ऐसे हमारा लैंड होता है। आप देखोगे यहाँ पर इन चंबल रीजन जैसे कि रिवराइंस है, रिवराइन आइलैंड है, जैसे हम बोल रिवराइन मतलब एक रिवर है, दोनों रिवर के मिडिल में जाते हैं उसको रिवराइन बोलते हैं, और रिवराइन मौजूला जो कि ब्रह्मपुत्र में सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड का रिवराइन आइलैंड है, तो यहाँ पर तो उस एरिया में बहुत सारे आपका देखने को मिलेगा
लैंड सॉयल इरोजन, ये सॉयल इरोजन हो रहा है, इधर का सॉयल जो है वो नष्ट हो जा रहा है, एक आइए देखना ठीक है। और क्या होता है सीड इरोजन, सीड इरोजन मतलब मान लो यहाँ पर एक सॉयल है, ये सॉयल क्या होगा, ये सॉयल है थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा और इधर चला आ जाएगा, तो इसको हम सीड इरोजन बोलेंगे ठीक है कि नहीं, कोई बात है। और इसको अगर हम करेंगे कैसे करेंगे, सॉयल को इरोजन करना, इरोजन से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉकिंग करना पड़ेगा, कॉन्ट्रोल लाइन्स, जैसे कि लाइन के तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे लाइन के तरीके से हम पहाड़ों में, जैसे पहाड़ों में ज़्यादा होता है ना सॉयल इरोजन बारिश के कारण, तो वहाँ हम कॉन्ट्रोल ब्लॉकिंग कर पाएंगे ठीक है। और टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद हम क्या करें, लार्ज फील्ड में ऐसे एक स्ट्रिप की तरीके से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं ठीक है, जहाँ ग्रास होगा वहीं होगा नहीं। और ऐसे जैसे कि आप ट्रीज़ को कैसे उगा सकते हो, शेल्टर बेल्ट की तरह, मान लो ये शेल्टर है, यहाँ पर उगा सकते हो ट्री ऐसे करके, ये उगा सकते हो ठीक है, ऐसे कर सकते हो ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये सब चीज़ आप कर पाओगे बेटर ठीक, ये सब चीज़ आप करोगे ठीक है। तो ये सॉयल का आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का बस आधा घंटा में आपको ख़त्म कर दिया गया ठीक है। तो दूसरे चैप्टर जाएंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ओके ठीक है, आप सब लोग रेडी हैं, दूसरा चैप्टर आपका ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ठीक। देखिए हमें पता है दुनिया में बहुत सारी चीज़ है, हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये वहीं रहते हैं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसको बायोडाइवर्सिटी किसको बोलेंगे, एक जगह पर बहुत सारे लोग रहेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, उसके साथ साथ आपका बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ह्यूमन बींग रहेगा, कुछ एनिमल रहेंगे ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ऐसा जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, डाइवर्सिटी है लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं ठीक है कि नहीं, क्लियर। और फ्लोरा, फ्लोरा और फौना किसको बोलेंगे, फ्लोरा को हम प्लांट बोलेंगे, फौना को आप एनिमल बोल सकते हैं ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल ठीक है, प्लांट। इसको हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 5 मार्क क्वेश्चन पूछता है, कंजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसको हम कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे कर पाएंगे। देखो हमारा जैसे कि आप फॉरेस्ट से क्या होता है ना, वाटर आता है, एयर आता है, सॉयल यहाँ पर भी रहता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़, और ये सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो इसको हमें बचाना ज़रूरी है कि नहीं ठीक है। और इसको क्या किस चीज़ के लिए हम करेंगे ना, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, तो ये ज़रूरी होता है एक्वाटिक ये सब चीज़ें ठीक है। तो 1960 और 1917 के टाइम में बहुत सारे लोग डिमांड हुआ था कि हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जो है आपको कंजर्व करने के लिए, उसने हमारा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम था वो डिमांड कर किया था कि हम क्या करेंगे ना, हम प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसी के कारण आपका एक एक्ट आया था 1972 में, ये आपको क्वेश्चन पूछता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, ये क्या क्या ना, बहुत सारे जैसे कि आपका एनिमल की हैबिटेट है, रहने वाले चीज़ को, रहने वाले एरिया को एनिमल के, उसको बचाया, कंजर्व किया कैसे, जैसे कि आपको जो लोग वहाँ जाते थे एंडेंजर स्पीसीज के लिए, जो लोग हंटिंग करने जाते थे उसको बैन कर दिया गया ठीक है, और प्रोटेक्शन किया उसको, जो भी जाएगा बिना पूछे नहीं जाएगा, लीगली आपको रेस्ट्रिक्शन है, और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे वाइल्ड लाइफ की, ट्रेड नहीं कर पाओगे, ट्रेड मतलब जैसे कि हाथी के जो आपका दांत है उसको निकाल के वो ट्रेड कर देते ठीक है, ये सब चीज़ नहीं कर पाओगे, ये बैन हो गया ठीक है, ये क्या हो गया ना, बैन हो गया। तो उसी की तरह आप देखोगे कुछ नेशनल पार्क बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया ठीक, और कुछ प्रोजेक्ट बना के जैसे कि एनिमल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ आपका क्या क्या कह रही आपका प्रोजेक्ट रखा गया, जैसे कि आप बोलोगे टाइगर की बात करते हैं, वन हॉर्न रैनासोर्स की बात करेंगे, कश्मीर टैक्स की बात करेंगे, हंगुल की बबात करेंगे ठीक है, और आपका यहाँ पर 3 टाइप ऑफ क्रोकोटाइल आपको देखने को मिलेगा, इनको घरियाल, एशियन टिक लायन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, घरियाल को आपको याद में रखना है, घरियाल कौन से टाइप का है, क्रोकोडाइल है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको बचाने के लिए आपको प्रोजेक्ट किया गया
ठीक है, समझ रही हो ना हमारी बात? ठीक है, उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको भी रखा गया है, चिंगारी की चिंगारा का ब्लैक बॉक को इसको रखा गया है कंजर्व करने के लिए, ये प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो इसके लिए और एक चीज़ आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए एक एक्ट आया था 1973 में, ठीक है, जैसे कि आप पहले कितने थे, 55,000 टाइगर थे, अब धीरे 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 उनको मार दिया कर इतने सिर्फ बचा हुआ है, तो इसको बचाने के लिए आपको क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। ठीक है, इतने सारे मर जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसीलिए ये किया गया था। तो जैसे कि क्या क्या उसने बैन किया 1973 में जो एक्ट आया, वो बोला कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, श्रिंकिंग हैबिटेट नहीं कर सकते, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, या आप स्पेसिस को क्या नहीं कर सकते, डिप्लेशन नहीं कर सकते, और ह्यूमन ग्रोइंग को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पॉपुलेशन को बंद किया गया, और टाइगर स्किन जो लेते हैं उसको या बोन्स लेते हैं उसको भी बंद कर दिया गया, जैसे कि मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है तो इसको भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया देखोगे, नेपाल देखोगे, ठीक है, ज़्यादातर 2/3 जो है पॉपुलेशन अब टाइगर के उसको बचाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यह बात क्या, अच्छा क्या बोल रहा है, सो इंडिया नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दिस टू नेशन बिकम प्राइम टारगेट टू, हाँ मतलब ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं और इतना नष्ट भी इस एरिया में हुआ, तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, ये पोचिंग करना, ट्रेडिंग करना, ठीक है, इसको रोका गया, और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो आप नहीं मानोगे, लीगल हायर करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, टाइगर को कंजर्व करने के लिए ये एफर्ट लगाया गया। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा नेशनल पार्क रखा गया, जैसे कि करबट नेशनल पार्क उत्तराखंड हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल हो गया, बांदापुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में हुआ, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में हुआ, मानस रिजर्व टाइगर रिजर्व आसाम में हुआ, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में हुआ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कौन से जगह पर कहाँ पर क्या क्या। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि 1980 और 1986 में, ठीक है, बहुत सारे बटरफ्लाई को मतलब बचाने के लिए मतलब एक भी एक्ट आया था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1991 में आपको प्लांट्स को भी बचाने के लिए, ठीक है, 6 स्पेसिस प्लांट को बचाने के लिए एडेड कर दिया गया, 6 स्पेसिस। ठीक, इम्पोर्टेंट चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये क्या क्या रखा था, इसने क्या था, क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, क्या क्लासीफाई कर दिया था कि फॉरेस्ट को हम 3 तरीके रखेंगे, भाई आप लोग तो ऐसे मानोगे नहीं, तो आपको 3 तरीके से आपको यूज़ किया जाएगा, एक रखा गया रिजर्व फॉरेस्ट, एक रखा गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक हो गया ऑन क्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या करोगे, ये पूरा पूरे रिजेक्ट है, रिजर्व है, लेकिन इस यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा रिजर्व, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप ये करके जा सकते हो। ठीक, और ऑन क्लास फॉरेस्ट, ये आप बेसिकली यहाँ पर देर आर फॉरेस्ट वेस्टेज बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, यहाँ पर कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकते हैं, कम्युनिटी भी आप रख सकते हैं, गवर्नमेंट रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक, ये पूरा प्रोटेक्टेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे 75% जो है कि आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया को, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इस एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट फॉरेस्ट करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये परसेंटेज ही पूछता है, आप बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इस एरिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ये रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा इस एरिया में, और इस एरिया में आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और क्या है, और टोटल गुजरात हो गया नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड, ये आपको देखने को मिलेगा हैव ए वेरी हाई परसेंटेज देयर फॉरेस्ट ऑन क्लास फॉरेस्ट, इसको ऑन क्लास फॉरेस्ट बोला गया। ठीक, वहाँ क्लासीफाई कर दिया गया ऑन क्लास फॉरेस्ट के तरीके से, और ये जो फॉरेस्ट है, बस आपको याद रखना है कि इस फॉरेस्ट को पहले क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कुछ किया काम, किसने कुछ काम किया, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया, तो गवर्नमेंट कुछ काम किया, क्या क्या, नेशनल पार्क बनाया, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया,
ये सब चीज़ क्या ना, लेकिन और कुछ ऐसा है कम्युनिटी जो लोग हैं उसने भी कंजर्व किए हैं। कम्युनिटी मतलब जहाँ पर आप देखोगे ट्राइबल लोग हैं, कुछ कम्युनिटी है, वो चाहते नहीं हैं लेकिन इनडायरेक्टली वो आप कर दिए हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व किए हैं। जैसे कि आप देखोगे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेज में एक हुआ था माइनिंग एक्टिविटी के कारण, ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ के बहुत सारे एरिया को वो विलेजर्स को नष्ट कर दे रहा था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, विलेजर्स देमसेल आर प्रोटेक्ट किए थे हैबिटेट के लिए, हमारे इस एरिया में आप ये रिजर्व मत रखिए, ठीक है, ये आंदोलन किए थे, ठीक। जैसे कि अब यहाँ पर और एक एग्जांपल भी दिया गया है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इतने हेक्टर की फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे थे। जैसे कि आप देखोगे हैं भैरव देव डाक ऑफ सेंचुरी डिक्लेयर देयर ओन शेड्यूल इन द रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, यहाँ पर हंटिंग के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है, इस एरिया को आपको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आपको पूछता है चिपको मूवमेंट, क्या चिपको मूवमेंट, ये हिमालयन उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स और सिटीजन्स क्या किए थे, वहाँ पे पेड़ पे चिपक गए थे, ठीक है, अपने पेड़ को बचाने के लिए, तो इसको बोला जाता है चिपको मूवमेंट। एज वेल एज आप देखोगे बीज बचाओ आंदोलन तेहरी और नवदनिया, इस एरिया में भी लोग फार्मर जो है वो इसको बचाने के लिए आपको क्या कहते हैं यहाँ पर हैं, लोग बोले थे कि हम क्या नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल चीज़ हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, बिना केमिकल चीज़ के यूज़ में हम क्रॉप करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, ये दो चीज़ फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए चिपको मूवमेंट हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइगर सॉरी यहाँ पर बोल रहे हैं भैरव डाक ऑफ सेंचुरी हुआ था, और यहाँ पर और एक चीज़ कहा गया सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, ये चीज़ आपको थोड़ा सा इम्प्रेसिव करेगा लिखने में, ठीक है। उसके साथ साथ उड़ीसा में पहले ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पूछा जा सकता है, क्लियर। अच्छा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है, ऐसा कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी इसने स्टार्ट किया था, जो जो चाहे इस लोकल कम्युनिटी में आप शामिल हो सकते हो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, इसको हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला गया, और पहले उड़ीसा में ये किया गया था। और उसके साथ साथ आप देखोगे सेक्रेड ग्रुप्स, मतलब जो ग्रुप्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे को पूजा करते हैं, वो लोग भी ना चाहते हुए फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे ये वही सेक्रेड ग्रुप का बात किया, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर बात कर रहे हैं संथल आपका छोटा नागपुर प्लेटो में देखोगे, वहाँ पर महुआ नाम का एक पेड़ को पूजा करते हैं, वो काटेंगे नहीं पेड़ के, तो ऑब्वियसली हो गया आपका क्या पूजा हो गया, मतलब कंजर हो गया। कदम पेड़ को आप देखोगे कदम ट्रीज, आप नाम सुने हो कदम ट्रीज, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ बैठकर बांसुरी बजाया था, ठीक है। और ट्राइबल ग्रुप जैसे कि आप देखोगे उड़ीसा और बिहार का टमरिन, जैसे कि आपका क्या बोलेंगे हल्दी की पेड़ को ये भी बचाते हैं, मैंगो को भी ये पूजा करते हैं, इसी के कारण ये सब ट्री काटा नहीं जाता, इसी के कारण ट्री जो है वो रहता है, नहीं तो ये भी रहता नहीं रहता, ठीक है। और हमारे कुछ सेवरल कल्चर है, ट्रेडिशन मेथड है, जो कि सेक्रेट क्वालिटीज, जैसे कि आप देखोगे जैसे माउंटेन पीक में हो गया, प्लांट्स एनिमल्स में हो गया, ये सब चीज़ क्या है, ये प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे सोसाइटी जो रहते हैं, शिमला जाओगे हिल स्टेशन जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल के लिए प्लेजर के लिए, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर एक दिया है विष्णु विलेज का एक जगह करना राजस्थान हुआ, यहाँ पर आपको ये दिया है नीलगाय हो गया, ब्लैक बॉग हो गया, पिकॉक हो गया है, ये वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, उसको बचाते हैं डिगल पर, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बोला, 1988 में जो बोल मैंने कहा मैंने उड़ीसा में पहले ही ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ था, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद
उसके बाद कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी आपका खत्म हो गया। इतना ही था, आपको डिटेल्स आपको बोला गया कि आप कैसे समझेंगे, ठीक। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस, क्या वाटर रिसोर्सेस, क्लियर, वाटर रिसोर्सेस, इसको हम अभी देखेंगे। देखो, दो चैप्टर हम कर चुके हैं, एक हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर चुके हैं, एंड आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद आपका अभी करेंगे वाटर रिसोर्सेस, ठीक। देखिए, वाटर रिसोर्सेस हम देखे हैं 2/3 जो है वो हमारे अर्थ सरफेस में मतलब फैला हुआ है, अर्थ में वाटर फैला हुआ है, और कुछ वाटर जो है कि सलिनिटी में है और कुछ वाटर फ्रेश वाटर है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 71% आपका देखने को मिलता है वाटर, ठीक, लेकिन सॉल्टी वाटर कितना देखने को मिलता है 96.5, और आपका फ्रेश वाटर 2.6 या 2.5% देखने को मिलता है, एग्जैक्टली, ठीक। तो इसका कारण क्या, इतने कम परसेंट में अगर हम वाटर में यूज़ कर रहे हैं इतना कम परसेंट, तो बेसिकली हमें वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वाटर स्केर्सिटी इट मीन्स कि आपका वाटर कहाँ कम है, तो कहाँ कम होगा, सिंपल सी बात है, राजस्थान में देखने को मिलेगा। और राजस्थान के जो लोग हैं वो मटका लेकर, ऐसे पोर्ट्स लेकर दूर दूर जाके वाटर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे इतना क्यों आपको देखने को मिलेगा वाटर स्केर्सिटी, क्यों वहाँ का फ्रेश वाटर कम होता है, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, वहाँ डेजर्ट देखने को मिलता है, हैं टेम्परेचर नहीं है, इवापोरेट नहीं होता है, ये सब कारण है कि आपका ग्राउंड वाटर कम होना, प्रेसिपिटेशन कम होना, रन सरफेस वाटर नहीं होना, तो वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर आपका वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पर पानी भी अवेलेबल है लेकिन वहाँ पर स्केर्सिटी देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि आपका वहाँ क्या होता है, अरे वहाँ होता है लोग ज़्यादा होते हैं, यूज़ करने वाले ज़्यादा होता है, ठीक है। और वहाँ फ्रेश वाटर भरपूर रहने के बावजूद भी आपका वहीं क्या नहीं होता, ऑब्वियसली स्केर्सिटी देखने को मिलता है। आप लद्दाख में चले जाओगे, पानी ही पानी है, लेकिन वो कहाँ है, ग्राउंड वाटर में, लेकिन ऊपर में आपको देखने को मिलेगा आइस, इसके कारण पानी शुद्ध आप पानी पी नहीं पाते, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे ना, ठीक है। तो उसके बाद जाएंगे जब पोस्ट, हाँ, ये पानी को कंजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ग्राउंड लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किया गया था, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ऑर्बनाइजेशन हुआ, उसके कारण बहुत सारे स्क्रिप्टिस देखने को मिला है, बहुत सारे पानी ख़त्म होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन हुआ आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वो जो है वो ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपका मतलब जो पानी रेन वाटर को वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर यूज़ करना है इंडस्ट्रियल वाले, जो इंडस्ट्री वाले जो है, आप क्या करोगे, आप रेन वाटर को कंजर्व करो, एक जगह पर रखो और उसको इस्तेमाल करते जाओ, री इस्तेमाल करो, वाटर ट्रीटमेंट करो, आप ऐसी ग्राउंड वाटर को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ वही बता रहा है जो मैंने बता दिया, हाँ, ठीक है। और कुछ कारण क्या होता है, आप देखोगे डोमेस्टिकल यूज़ होता है, हम निकाल देते हैं अपने डोमेस्टिक से, हमारे घर से कुछ कुछ चीज़ निकाल देते हैं, वो वाटर में मिल जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, वो तो होता ही है, वाई जगह पर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, इसके कारण हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, सिंपल सी बात है, आप सब लोग जाने हैं, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बंद करना चाहिए, ये सब चीज़ आपको अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, कि जल जीवन मिशन इम्पोर्टेंट चीज़, और जल जीवन मिशन का मकसद है कि रूरल हाउस होल्ड गेट एज इट सप्लस पोर्टेबल पाइप वाटर, पोर्टेबल पाइप वाटर देता है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इतना वाटर स्कर्सिटी देखने को हमारे मिल रहा है, ओवर एक्सप्लोटेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ मिसमैनेजमेंट के कारण वाटर रिसोर्स के, इसलिए आपका देखने को मिलता है, और वाटर साइकिल भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट मतलब आपको डैम बनाना पड़ेगा, डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पानी रहेगा, पानी स्टोर रहेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए एंशियंट टाइम में क्या किया गया था, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब बड़े बड़े डैम बिल्ड किया गया था, पॉन्ड बिल्ड किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अलाहाबाद अभी के प्रयागराज देखोगे तो उस एरिया में, एरिया के श्रृंगा वैरापुरा में, उस एरिया में आपको एक हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि गंगा रिवर जब फ्लो करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है जो कि गंगा फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, डैम बनाया था, लेक बनाया था, इरीगेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया था, बिल्ड किया था। उसके साथ साथ क्या किया था नेक्स्ट हो क्या आपको देखोगे, कुछ इरीगेशन वर्क किया गया था आपका कलिंगा में, उड़ीसा का जो हमारे नागार्जुनकोंडा में, आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में, ये वहाँ सोफिस्टिकेट इरीगेशन सिस्टम बनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 11th सेंचुरी में भोपाल लेक नाम का आया है, जो कि आर्टिफिशियल लेक अपने आप बना था, सॉरी हम खुद बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हौस खास अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था श्री फोर्ट में, ठीक है। आपको याद रखना है कौन कौन सी जगह पर क्या हुआ था, ठीक है कि नहीं, ठीक। अच्छा, डैम का मतलब क्या है, एक बैरियर है, क्या है एक बैरियर है, डैम है एक बैरियर है ऐसे, और बहुत सारे फ्लोइंग वाटर की रोकता है, ठीक है। और रिजर्वर जैसे को इस टोटल एरिया को हम रिजर्वर बोलेंगे, टोटल एरिया को क्या बोलेंगे रे, हम रिजर्वर बोलेंगे। और ठीक है, बेस्ट ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से डैम को भी क्लासीफाइड कर दिया गया है, जैसे कि टिम्बर डैम, जैसे कि आपका टिम्बर लगा के हम डैम बना सकते हैं, एम्ब्रकमेंट डैम बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ ये बहुत सारे होते हैं, आपका बिल्डिंग वगैरह के बना के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जवाहरलाल नेहरू ने डैम को एक टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। ये क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, एग्रीकल्चर फैसिलिटी देता है, पानी को स्टोर करता है, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हेल्प होता है, ठीक है, और अर्बनाइजेशन को ये ग्रोथ करता है, इसीलिए टेम्पल ऑफ इंडिया बोला गया है हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। ये भी आप पानी के हिसाब से आप लिखोगे, क्लियर, ठीक है कि नहीं। आप रिसेंटली देखोगे, हमारे रिसेंटली की बात करेंगे, रिसेंटली क्या हुआ है भाई, रिसेंटली ये हुआ है कि आप बहुत सारे डैम अभी दिखने को मिलेगा, हमारे डैम कंस्ट्रक्ट देखने को मिलेगा, आपका हीराकुद डैम हो गया, आपका इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी डैम हो गया, ठीक है कि नहीं। इस बहुत सारे डैम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यह क्या करता है, लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन रेगुलेटिंग डैमिंग और रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। ये क्या करता है, आप जब देखोगे तो डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है तो उसका भी डिमेरिट है, सभी का डिमेरिट है, सभी चीज का डिमेरिट है। तो डैम जब एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो एक रिवर की नेचुरल फ्लो को आप बंद कर दे रहे, ठीक है, जो नेचुरली फ्लो करता है उसको आप बंद कर दे रहे, जितना स्पीड में पानी जाना चाहता है उतना पानी जा नहीं पाएगा। उसके बाद क्या होता है, पुअर सेडिमेंट होता है, फ्लो करता है, एक्सेसिव सेडिमेंट्स यहाँ पर बॉटम में रह जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर सेडिमेंट नीचे, यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये हो गया आपका क्या है, आपका रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर फ्लो कर रहा है इधर, तो आपका सेडिमेंट सब इधर जमा हो जाएगा, सेडिमेंट नीचे नहीं जा पाएगा, और सेडिमेंट नहीं गया तो वो सॉयल में भी फर्टाइल हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और क्या होता है, रॉकियर स्ट्रीम बन जाता है, वहाँ रॉकियर बन जाता है ऐसे, यहाँ पर रॉक्स यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, हाँ ऐसे करके यहाँ पर अगर पानी स्पीड से आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पानी स्पीड से आपका सॉइल को इरेज कर देगा, इरोजन कर देगा, तो यहाँ रॉक्स बन जाता है, ठीक, ये चीज़ होता है। और कुछ एक्वाटिक लाइफ को मतलब नष्ट करता है हैबिटेट को, क्योंकि आप कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी पानी रह जाता है, तो पानी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, पानी रहने वाले, वो इधर कभी चले जाते हैं, इधर कभी चले जाते हैं, क्योंकि उनके हैबिटेट पर नष्ट होगा, जो वो लोग अपना बच्चे पैदा करेंगे, अंडे देंगे, तो वो एक जगह पर पानी में रहना चाहिए ना, तो उसको फिर लाना पड़ता है इधर, फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर लेना पड़ेगा इधर, इस तरह उनका लाइफ में इफेक्ट डालता है,
ठीक है, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में है जो कि नर्मदा नर्मदा रिवर में है, ठीक है। और ये किस किस को करता है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कितने एरिया में रखा गया, 18.45 लाख हेक्टर में यहाँ पर रखा गया। और इतने विलेज को आपको कवर किया गया है, 15 डिस्ट्रिक्ट में हो गया। और इरिगेशन फैसिलिटी इतने हेक्टर में किया गया है। और राजस्थान में देखोगे इतने किया गया है, 75% महाराष्ट्र में भी दिया गया है, ठीक है। इस एरिया में आपको देखना है राजस्थान में भी यहाँ पर पानी दिया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिन्हा योजना इसने बनाया है कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो कि हमारा क्या कर पाए, वाटर फिजिकल एसेस ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सपेंड कल्टिवेशन अंडर एसन इरीगेशन, ठीक है। मतलब हर खेत को पानी, मतलब ये प्रधानमंत्री ने जोगाया है कृषि सिंचाई योजना में हर एक जगह पर। राजस्थान में ज़्यादातर वहाँ पानी नहीं है ना, तो वहाँ दिया गया है। और उसके इम्पोर्टेंट, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जो डिस्प्यूट हुआ था कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ये कहाँ हुआ था, आपका कृष्णा में, कृष्णा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद कोयना, आप देखोगे इट इज़ रिगार्डिंग डाइवर्जन ऑफ वाटर कोयना, कोयना जो पानी है, कोयना में जो पानी है जाता है कोयना में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको क्या किया है, इसको ज़्यादातर मल्टीपल प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस डिस्प्यूट हुआ था कि इनके बीच में आप हमारे रिवर को कैसे आप कुछ कर सकते हो, कैसे, ये सब चीज़ डिस्प्यूट हुआ था कृष्णा गोदावरी रिवर में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोलता है कि आपका फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डैम को कंस्ट्रक्ट कर किया गया है क्योंकि फ्लड को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फ्लड आ रहा है, जैसे हम गंगा की रिवर देखेंगे तो बहुत सा पानी आता है, फ्लड करता है, तो उस फ्लड को रोकने के लिए डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिजर्वर पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक एक डैम का पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या कहते हैं, फ्लड जो है वो हैव नॉट ओनली डिवास्टेशन लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। आप देखोगे जहाँ ज़्यादा पानी जा रहा है, ठीक, पानी ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ सिर्फ लोगों को नष्ट नहीं करता, सॉइल को भी इरोजन कर देता है, सिंपल सी बात है। और जो सेडिमेंट्स ऑल्सो फ्लड के कारण क्या होता है, सील्ड हो गया, नेचुरल फर्टिलाइजर ये हो गया, ये सब लैंड डिग्रेडेशन का कारण होता है। और लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, पानी जहाँ ज़्यादा, वाटर के कारण, ठीक, विंड की भी कारण होता है, अभी फ्लड की बात कर रहे हैं, पानी या तो वाटर रिसोर्स पड़ रहे हैं उसके कारण भी सेडिमेंट नष्ट होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीनेशनल प्रपोज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे अर्थक्वेक हो गया है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है उसमें, पेस्ट पोल्यूशन रिजल्टिंग, ये सबसे वाटर बॉर्न डिजीजेज होता है। यहाँ पर कुछ मेरिट दिया है, कुछ डिमेरिट दिया है। देखो इसमें क्या होता है, आपका जो पानी है, यहाँ पर पानी है ना, तो उस पानी आप देखोगे तो पानी ज़्यादा होने के कारण अर्थक्वेक भी आता है, क्योंकि प्रेशर होता है वाटर का, ठीक है। इतना बहुत सारे लीटर के पानी है ना, तो एक जगह पर है तो वो प्रेशर होगा कि नहीं, प्रेशर होगा तो अर्थक्वेक होगा, और उसके कारण वाटर बॉर्न डिजीजेस भी होगा, क्योंकि बहुत सारे पानी वहाँ आता है, कहाँ कहाँ से पानी आता होगा, वहाँ स्टोर है, केमिकल चीज़ है, इसलिए आपको देखने को मिलता है वाटर बॉर्न डिजीजेज। और बहुत सारे कीड़े भी देखने को मिलते हैं, कीड़े की, और ये होता है पोल्यूशन भी होता है वाटर, ठीक। इतना समझ गए, समझ रहा हूँ, आप लोग सब समझते होंगे, ठीक है। तो पानी इतना खराब हो रहा है, पानी कम है, इतना 1% से भी कम हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेश वाटर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि पानी आ रहा है तो आप बचाओ भाई, पानी को बचाओगे तो होगा, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आप यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ग्राउंड वाटर भी बढ़ा सकते हो, पानी अगर स्टोर करोगे तो पानी, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। फ्लड वाटर को भी आप एक जगह पर रख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा,
आप कैसे करोगे, आप देखोगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। गूल्स एंड कूल्स, कूल वन टाइप ऑफ पॉन्ड्स, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए, बट ऐसे गड्ढा वो कहाँ किया जाता है, गूल्स एंड कूल्स आपका वेस्टर्न हिमालय में किया जाता है, ठीक है कि नहीं। अब ये हो गया हिमालय की जगह, यहाँ पर कूल्स एंड कूल्स करा जाएगा, ऐसे कटा गड्ढा बनाया जाएगा, ये होता है। और कुछ होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मान ली यहाँ पर ये हो गया आपका घर, ठीक है, ऐसे पानी आप स्टोर होगे ऐसे करके यहाँ पर एक स्टोर करोगे, रूफ टॉप रेन वाटर बोला जाएगा उसको, ठीक है, इसको रूफ टॉप हार्वेस्टिंग बोला भी जाता है उसको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये राजस्थान में किया गया था, और बंगाल में आप देखोगे एक इनुंडेशन चैनल बनाया जाता है इरीगेशन फील्ड के लिए, ठीक है, इनुंडेशन चैनल बनाया जाता है। और अरिड रीजन में, आप सेमी अरिड रीजन में आप देखोगे तो वहाँ भी ऐसे होना चाहिए, जैसे कि खडिंस हो गया, जोहार्स हो गया, इस एरिया में खडिंस मतलब एक पॉन्ड्स की तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे स्टोर करता है, यहाँ पानी आएगा रेन वाटर और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक ठीक है। और ऐसा कुछ जगह है जहाँ पर टैंकर्स भी यूज़ किया जाता है, घर घर में आके बड़े बड़े टैंकर रखा जाता है और रेन वाटर को वहाँ पानी को स्टोर किया जाता है, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे तो टैंकर्स कैसा होता है, 6 मीटर का डीप होता है, अंदर 6 मीटर होता है, और लॉन्ग होता है कितना, इससे लॉन्ग होता है कितना ना 4.2 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, और इसका वेट होता है इतना आपका 2.44 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है वो आप इनसाइड होता है, हमारे घर के इनसाइड, घर के अंदर ही रखते हैं, और जो पाइप के जरिए से उसको पानी को स्टोर करते हैं, टैंकर्स के जरिए स्टोर करते हैं, तो उसको जब पानी ख़त्म हो जाएगा समर सीजन में, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो ये वही चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है, टैंकर्स, ये हो गया हैंडपम्प के जरिए से आप स्टोर कर सकते हैं पानी को, ऐसे करके एक जगह पर पानी स्टोर कर सकते हैं और इसको फिर आप दोबारा यूज़ करते हैं, यहाँ पर पानी स्टोर कर दिए हैं और इसको फिर आप दोबारा कर सकते हैं, क्लियर, समझ गए ना बात, ठीक, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन अभी क्या हम देखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आप अलग तरीके से किया गया है, आप देखोगे वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में क्या किया गया, उसमें क्या किया, इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया है, हर एक घर को यह पानी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर स्केसिटी भी देखने को मिल रहा है, वाटर स्केसिटी देखना चाहते हैं। क्यों ऐसे होता है, अगर आप राजस्थान एरिया देखोगे तो बहुत ही गर्मी है, पानी जितना भी वहाँ दोगे तो वो पानी को पूरा एकदम से पूरा ये कर देगा, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो वाटर बहुत सारे हॉट है ना, वाटर सॉरी जो ग्राउंड है राजस्थान के वो कैसा है, वो ड्राई है, जो पानी वहाँ दोगे तो बहुत सूख जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमारे वाटर स्केसिटी देखने को मिलता है। हालांकि ऐसे गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे गेंदादुर में, ये रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, मैसूर की एक एरिया है, कर्नाटक का विलेज का एक है, तो यहाँ पर बहुत सारे देते आप देखोगे हाउस होल्ड में ऐसे रखा गया है, 200 हाउस होल्ड यहाँ पर रखे हैं, और आपको देखने को मिलेगा ये अंडरग्राउंड टैंक यूज़ किए हैं, वही वाला बात बोल रहा है, ठीक है, ऐसे दिया गया है ये सब चीज़, 80% जो है वो कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और ये हाउस होल्ड 50,000 लीटर वहाँ पर एनुअली होता है उस जगह पर, ठीक है, ये सब चीज़ आप देख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु का पहला स्टेट ऐसा है जो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी किया था, आप कंपलसरी करोगे, इसका मतलब कंपलसरी ही करोगे, तमिलनाडु में ऐसा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बैम्बू ड्रिप नेक्स्ट है, बैम्बू ड्रिप इरीगेशन, आप कैसे ये आप देख रहे हो कैसे करते हैं, ये बैम्बू को रखा जाता है पानी को ऐसे करके, ऐसे आप क्या करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बैम्बू ड्रिप्स है, नल की तरीके से होता है, ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होता है, कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होता है, मेघालय में, जैसे सबसे आपका देखोगे क्या है, मानसिनरा में 400 सेंटीमीटर का बारिश होता है, कितने सेंटीमीटर का बारिश होता है, 400 सेंटीमीटर का बारिश होता है, ओके। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो लास्ट चैप्टर हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये आपका हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो में, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर हमारे 2/3 लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सूटेबल सॉयल है। ठीक, ओके। तो हमारे जो होता है, हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, वो कॉफ़ी हो, टी हो, स्पेसेस, अलग तरीके से। तो इसके हिसाब से हम फार्मिंग को भी एग्रीकल्चर इसमें रिलेटेड तो फार्मिंग, तो एग्रीकल्चर फार्मिंग जो है वो हमें टाइप्स है अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह। ठीक है, फिजिकली एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी, इसको देखकर सोशल कल्चरल प्रैक्टिस देखकर फार्मिंग की एक चीज़ देखकर हम के पहले होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपका क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। प्रिमिटिव जो लोग करते हैं, इसमें कोई भी आपका टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगा या कोई केमिकल चीज़ यूज़ नहीं होगा, जिससे कि आप देखेंगे हाँ, जैसे कि बोल रहा है ये सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, बचने के लिए यूज़ किया जाता था। क्या करने के लिए यूज़ किया जाता था? बचने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, जैसे कि आप बचने के लिए यूज़ के एग्रीकल्चर करते थे, और क्या क्या यूज़ करते थे, दाओ, डिकिंग, स्टिक, हो, दाओ, ये सब चीज़ यूज़ किया जाता था। ठीक है, आप देखोगे कुदाल, कुदाल ये सब चीज़ यूज़ किया जाता था ना, वो जा प्रिमिटिवली जो करते थे लोग, और क्रॉप उगाते थे। तो इस चीज़ को, ठीक है, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करते थे, मानसून को, कैसे हम बारिश होगा तब हम करेंगे, और फर्टिलिटी होगा वो अपने आप फर्टिलिटी होगा, क्योंकि ये लोग केमिकल चीज़ नहीं दे रहे, मतलब नेचुरली फर्टिलिटी होना चाहिए, वो सॉइल का नेचुरली फर्टिलिटी होना चाहिए, तब जाके ये होगा क्या आपका सॉइल की एग्रीकल्चर होगा। और वो बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशन को ही रिक्वायर्ड करते थे, मतलब जैसा एनवायरमेंट है वैसा ही आपका एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, समझिए बात को, इसी का नाम है अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया गया है, सिलेशन बर्न एग्रीकल्चर ही बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि फार्मर क्या करता है, एक बहुत सारे बड़े एरिया को इसको क्या करता है, अरे क्लियर करता है, पहले साफ करता है, एक पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करता है, उसके बाद सब साफ करता है, साफ करने के बाद वहाँ पर आपका कोई भी क्रॉप्स उगाता है। ठीक है, उसको करने के बाद वो साफ कर देता है, साफ करने के बाद दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर 2-3 साल के बाद फिर दूसरी जगह आएगा, ऐसे ऐसे करके जो करता है ना, इसको सिलेशन बॉर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक, समझे कि नहीं बात को, क्लियर? अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो आपका सिलेशन बॉर्न एग्रीकल्चर है, इसको क्या बोला जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन ही बोला जाता है। तो यहाँ पर बिना फर्टिलाइजर से आपका यूज कर किया जाता है, तो ऑलरेडी बता दिया है, और अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, झूमिंग जाना जाता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, जैसे कि आपका आसाम, मेघालय, मिजोरम, इस एरिया में बोला जाता है, और पमलू मणिपुर में बोला जाता है, दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, अंडमान निकोबार में बोला जाता है, निकोबार में। ठीक, और उसके बाद जैसे जैसे आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्पा मेक्सिको में बोला जाता था, रोका ब्राज़ील में बोला जाता था, ये सब चीज़ ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख लोगे कहाँ पर क्या बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर क्या बोला जाता है ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट आएंगे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऐसा फार्मिंग जो कि आपका हाई पॉपुलेशन एरिया में किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी बोला जाता है इसको, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बायोकेमिकल इनपुट किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं ना, राइट इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि मान लो इसका एक जगह है, उस जगह को हम दो भाई हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस दो भाई का 4-4 बच्चे, 1-2-3-4 हो गए। ठीक है, यहाँ पर फिर 1-2-3-4 होगा, मतलब ये क्या होता है, राइट टू इनहेरिटेंस होता है, किसी का कम हो जाता है, जिसका ज़्यादा है तो कम हो जाता है, कभी कम होता है तो और भी कम हो जाता है, ये सब चीज़ होता है। दूसरा क्या चीज़ है, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग आप देखोगे कमर्शियल मतलब कुछ बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि HIV/AIDS यूज़ करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करोगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है, और यहाँ का बात करेंगे हाइजर प्रोडक्टिव के लिए। ठीक है, सिर्फ बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप राइस आप देखोगे हरियाणा और पंजाब में बेचने के लिए होता है, लेकिन उड़ीसा में ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है, उड़ीसा में राइस जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब चलने के लिए होता है, बिजनेस के लिए नहीं किया जाता, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको
याद रखना है, ठीक। और एक चीज़ है प्लांटेशन, प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जो कि लार्ज एरिया में एक ही क्रॉप हम उगाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, प्लांटेशन बोलेंगे। और ये इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये बहुत से बड़े एरिया लेता है और बहुत सारे इनपुट चाहिए उसको, कैपिटल चाहिए, इनपुट चाहिए, लेबर बहुत सारे चाहिए, माइग्रेंट लेबर चाहिए होता है, जैसे कि आप आसाम जाओगे, टी एग्जाम्पल दोगे, टी का एग्जाम्पल क्या होता है वो, टी में ये सब चीज़ बहुत सारे लोगों के जरूरी होता है। इंडिया में जैसे देखोगे आपका टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर कैन है, आप यूज़ करते हैं, ओके। और टी देखोगे आसाम में, नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में है, ये आप देख लोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ होता है प्लांटेशन क्रॉप, ज़्यादातर आपको एक बड़े से एरिया चाहिए और इंडस्ट्री चाहिए और मार्केट सिस्टम होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो उससे का आपका प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। ओके, तो इसके हिसाब से आपको डिवाइड कर देंगे टोटल एग्रीकल्चरल फार्मिंग को, तीन तरीके से डिवाइड कर देंगे, रॉबी, क्रॉप एंड जेड, ठीक है। आपका जैसे कि आप देखोगे, ओके, तो इसमें जाएंगे रॉबी क्रॉप्स। रॉबी क्रॉप्स आप देखोगे विंटर सीजन में ये सुन किया जाता है और अक्टूबर दिसंबर में इसको, हाँ अक्टूबर एंड दिसंबर में आपका ये सुन किया जाएगा। अभी इस समय जो आपका चलेगा, अभी जो अक्टूबर के अगस्त, ये तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आएगा जब, तब जाके ये करेंगे क्या आपका कोई रॉबी क्रॉप करेंगे। और ये अप्रैल के महीने, अप्रैल या जून के महीने में जो समर सीजन होता है उस टाइम में आपका हार्वेस्टिंग करेंगे ये लोग, निकालेंगे ये सब चीज़। जैसे कि आप देखोगे व्हीट है, वर्ली है, प्याज है, ग्राम है, मस्टर्ड है, ये अभी होता है रॉबी क्रॉप। कहाँ कहाँ किया जाता है भाई, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह में किया जाता है। और व्हीट प्रोड्यूस जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉबी क्रॉप है, आप याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है विंटर सीजन में ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। या आप नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ा जाता है जेट स्टीम। जेट स्टीम क्या करता है, जेट स्टीम विंटर सीजन में ये ऊपर में नहीं जाता, यहाँ नहीं जाता, ये इस साइड पे आ जाता है, ठीक है, पंजाब और इस साइड में आ जाता है, तो यहाँ पर बारिश करता है क्योंकि वो साइक्लोन लेकर आता है मेडिटेरियन सी से, तो यहाँ पर बारिश करता है, इस एरिया में देखोगे आप, ठीक। तो आप देखोगे खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप जो कि आपका ज़्यादातर बारिश के मौसम में होता होगा, होता है जब, ठीक है, जैसे कि आप जून जुलाई से स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्टिंग करेंगे, जैसे कि आपका पेड़ी, मेज और ये सब चीज़ हो गया, आपका याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ ज़्यादातर होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सब चीज़, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में होता है, कौन कौन कोस्ट में, बिहार में भी होता है, रिसेंटली पंजाब, हरियाणा में कमर्शियली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसको कुछ एरिया में आपका ओ असम ब्रो भी बोला जाता है, बोरो भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ एटा राइस का कल्टीवेशन उड़ीसा का, ठीक है। और कुछ होता है जेड क्रॉप, जिसको हम क्या बोलेंगे, जेड का मतलब इस जो सीजन्स नहीं है, मिडिल सीजन में इस क्या करते हैं, जो बच गया एरिया में सीजन में मंथ में, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककुम्बर, वेजिटेबल जो ये करते हैं, फोडर क्रॉप्स करता है उसको हम करते हैं। और शुगर कैन आप देखोगे, शुगर कैन ऑलमोस्ट एक ईयर लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिया जा रहा है, ठीक। तो ठीक, समझ गए इतना, तो इसका कुछ मेजर क्रॉप दिया गया है, उस मेजर क्रॉप को हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। मेजर क्रॉप के हम डिस्कस करेंगे, राइस, पहला मेजर क्रॉप है आपका राइस। तो राइस जो है वो पहला हमारे इम्पोर्टेंट मेजर क्रॉप, ठीक। इंडिया में तो राइस क्रॉप ज़्यादा ही उगाया जाता है, ठीक है, इसको हम इंडिया हमारे कंट्री सेकेंड है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइना फर्स्ट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीमीटर चाहिए, सेल्सियस चाहिए, एंड कितना पानी जरूरी है एनुअली, 100 सेंटीमीटर पानी जरूरी है, ठीक है। और कुछ लो रेनफॉल एरिया में, लेस रेनफॉल एरिया में इरीगेशन में हो सकता है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में होता है, ठीक। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको देख रहा है कहाँ कहाँ पर एरिया में ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। तो आप नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में, कोस्टल इलाका में, डेल्टिक रीजन में, सुंदरबन डेल्टा के एरिया में, यहाँ पर
यूज़ किया जाता है, आपका राइस प्रोड्यूस किया जाता है। और पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पार्ट्स ऑफ हरियाणा में लेस रेनफॉल है, लेकिन वहाँ ट्यूबवेल की जगह से किया जाता है। और सबसे सेकेंड है आपका वीट। वीट आपका देखोगे ये एक सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप मतलब ऐसे आपका लंबा हुआ ऐसी चीज़ होगा, ठीक है। तो उसमें अब इसको कितना एक कूल ग्रोइंग सीजन इसको चाहिए, क्योंकि ये आपका रबी सीजन है, रबी क्रॉप है। इसको आप देखोगे वर्षा कितना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर होता है। आप गंगा सतलज प्लेन में आप देखोगे, डेक्कन इलाके में आप देखोगे, कुछ एरिया में ब्लैकस्टोन रीजन में भी करते हैं, और ये एरिया आप देख लोगे, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स आपको देखने को मिलेगा क्या, जवार, जोवार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स है। और इसको क्रॉस ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक। और क्यों क्रॉस ग्रेन बोलता है, क्योंकि इसका हायर न्यूट्रल्स वैल्यू होता है, रॉफेस के लिए यूज़ किया जाता है। और आप देखोगे रागी को, आप देखोगे रागी जो आपका यहाँ पर रागी है, ये आयरन होता है इसमें, कैल्शियम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, रोफेस होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, आप देखोगे ज्वार, ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। एक हो गया राइस, दूसरा हो गया व्हीट, तीसरा हो गया आपका क्या, ज्वार, ठीक, ओके। ये सब चीज़ आप देखोगे कहाँ कहाँ होता है, ज्वार प्रोड्यूसिंग कहाँ होता है, आपका होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और बाजरा कहाँ होता है, बाजरा आप देखोगे सैंडी सोयल में होता है, शेलो ब्लैक सोयल में होता है। और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सब चीज़ ड्राई रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जहाँ पानी थोड़ा सैंडी सोयल होगा। सैंडी सोयल कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ ड्राई सीजन हो, एरिया हो। और रागी आप देखोगे रागी, हाँ अच्छा सॉरी सॉरी ये बाजरा की बात कर दिया मैंने, बाजरा ये प्रोड्यूसिंग होता है। रागी की बात करेंगे, रागी जो है वो आपका ड्राई रीजन में होता है, और ये रेड ब्लैक सैंडी लोमी सेलो सोयल हर एक जगह में हो जाता है, और कर्नाटक का, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब चीज़ों का। और नेक्स्ट आपका है मेज। मेज जो है वो आपको बात करेंगे, ये फूड भी है, खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और चरवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, फूडर क्रॉप, ठीक। ये इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, इसको इतने टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री सेंटीमीटर टू 27 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। और बिहार जो है वो बिहार में आपको रॉपी सीजन में यूज किया जाता है, ठीक है, समझ गए। और इसमें क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, HYV सीड्स यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर, इरीगेशन, ये सब चीज़ किया जाता है, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन में। और मैच जो है वो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ में होता है, कर्नाटका सबसे इम्पोर्टेंट है मेज में, ठीक है। और पल्सेस मतलब आप देखोगे अरहर दाल है, मूंग है, मसूर है, ये पल्सेस, इसको ही हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे इसमें से अलग अलग है, कोई खरीफ क्रॉप है, कोई रबी क्रॉप है, आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और मेजर एरिया है कहाँ कहाँ पर, ये इसमें ये देखो ये अब चीज़ है कि आप देखोगे इसमें फिक्सिंग, रिस्टोरिंग सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये क्या होता है, कुछ अरहर को छोड़ के, अरहर दाल को छोड़ के, ये ऐसा एक क्रॉप है, ऐसा एक आपका कल्टीवेशन एग्रीकल्चरल है, इसमें क्या करता है, अगर कहीं पे भी आप उगाओगे तो यहाँ पर सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, समझिए। और कौन कौन से एरिया में ये होता है, आपका देखोगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका देखोगे फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स भी है लेकिन फूड क्रॉप भी है, हम खाते भी हैं। शुगर के ना आप देखोगे इसको हम जेड क्रॉप बोलते हैं, इसको ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है, सब ट्रॉपिकल का एरिया में भी होता है, इतने आपका टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और जहाँ पर पानी नहीं है ना, वहाँ इरीगेशन फैसिलिटी जरूरी होता है, और मैनुअल लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन की, फास्ट है ब्राज़ील, ठीक। और इसमें क्या क्या बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है, ठीक है, ये शुगर तो बनाया जाता है, गुड़ आप देखे होगे, गुड़ तो आप सब लोग जाने हो,
खणसारी और मोलसेस, जो क्या खणसारी आप वो क्या बोलते हैं, वो एक छोटा छोटा ऐसे होता है ना इस टाइप का, ठीक है, उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, इस तरह का होता है वाइट कलर का, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखोगे कहाँ कहाँ होता है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कर्नाटका इस एरिया में होता है। उसके बाद ऑयल सेड्स, ऑयल सेड्स हम देखेंगे, जो कि आपका देखोगे इंडिया जो है वो 2018 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट की, लेकिन चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेप सीड में प्रोड्यूसर इंडिया वाज द थर्ड, थर्ड एक होगा कनाडा, चाइना, उसके बाद थर्ड है किसमें, रेप सीड में, ठीक। ये जो जो बता रहे हैं ना आपको याद रखना है। और अलग अलग ऑयल सीड आप देखने को मिलेगा, 12% आपका हमारे टोटल प्रोडक्ट क्रॉप जो है वो इसमें ही जाता है कंट्री में। आप देखोगे हो गया मस्टर्ड, हो गया कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कैट्रोन सीड, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको। और कुछ जो है वो ऐसा है जो कि आपको रॉ मटेरियल के तरीके से भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री बनाते हैं, जैसे कि आप सोप बनाना है या कॉस्मेटिक बनाना है, ऑइंटमेंट्स बनाना है, ठीक, ये आपको वही रिक्वायर होता है ऑयल की। और यहाँ पर बोल रहे हैं ग्राउंड नट, जो कि आपका खरीफ क्रॉप है, ये हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन इन कंट्री, हमारे कंट्री में ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। और गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट की, और उसके बाद आपका राजस्थान होता है, तमिलनाडु होता है, ठीक है, ये होता है। लाइन सीड और मस्टर्ड की देखोगे, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप है, सीसम खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, एंड रबी क्रॉप जो है साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है सीसम को, ठीक है। कैस्टर सीड क्रॉन बहुत रबी दोनों तरीके से होता है कैस्टर सीड। उसके बाद जाएंगे कि टी कल्टिवेशन, टी कल्टिवेशन तो आपको पता है भाई, एक एरिया में बहुत एरिया में ये ब्रिटिशर्स ही लाए थे टी को, ठीक है, टी प्लांटेशन के हैबिट करके चले गए, ठीक है। इसको प्रॉपर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही चाहिए, फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी भी होगा और वो ड्रेन वाला होगा, जैसे कि पहाड़ के इलाके में पानी भी होता है ड्रेन भी होता है, ये कैसे, सॉरी। और यहाँ देखोगे तो ये जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, फर्टाइल वेल ड्रेन होना चाहिए, तो बता दिया मैंने, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। अच्छा, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री मीन्स आपका ये देखोगे, जैसे कि आपका उस टाइम में विंटर सीजन में है, तो विंटर में क्या होता है ना, वो थोड़ा सा वो उसको मतलब क्या बोलेंगे उसको, उस चारों तरफ क्या कर देता है उस क्रॉप की चारों तरफ वो क्या होता है, ठंड पड़ जाता है, जैसे कि आप क्या बोलेंगे आपका फ्रॉस्ट हो जाता है चारों तरफ, ठीक है। जैसे कि आपका समर विंटर सीजन में आप देखोगे कोहरा पड़ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो कोहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको पूरा ड्राई होना चाहिए, पूरा सूखा होना चाहिए। इसको बहुत सारे लेबर की ज़रूरी होता है, इंटेंसिव लेबर की ज़रूरी होता है, ठीक है कि नहीं। और कैसा लेबर होना चाहिए ना, एबंडेंट होना चाहिए, चीप लेबर, स्किल लेबर होना चाहिए, ठीक है, उसको जान उसको आना चाहिए, कम पैसे वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है, आसाम में होता ही है, दार्जिलिंग एरिया में, जलपाईगुड़ी में होता है, ये सब चीज़ में होता है। आप देखोगे 2018 में आप देखोगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना टी में इंडिया, ठीक। कॉफ़ी, कॉफ़ी वही उसी तरह का है, ठीक है, कॉफ़ी जो है वो आपका जो कोई यमन से आया है, अरबियन लोग आए थे, ठीक है। और कहाँ ज़्यादातर होता है यहाँ कल्टीवेशन, बाबा बुदन हिल में पहले हुआ था, नीलगिरी हिल में, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में यहाँ पर कल्टीवेशन होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर कब, जैसे कि आप देखोगे मैंगो हो गया आपका, ये सब चीज़ आप देखना, ग्रेप्स देखना थोड़ा सा, मैंगो महाराष्ट्र में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, ये सब चीज़ में होता है, ठीक है। फ्रूट्स में आप देखोगे वही फ्रूट्स है ना हॉर्टिकल्चर वाला, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ऑरेंज जो है वो कहाँ देखने को मिलता है आपका, ऑरेंज देखें नागपुर, चेरापूंजी में, मेघालय के एरिया में देखने को मिलता है, बनाना केरला में, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, लीची, गुआवा आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखने को मिलेगा, पाइनएप्पल आप देखोगे मेघालय में दिखेगा, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में दिखेगा, तेलंगाना महाराष्ट्र में दिखेगा, एप्पल, पियर्स, एप्रियट्स, वॉलमट्स जम्मू कश्मीर में दिखेगा, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सब कुछ दिखता है। आपको थोड़ा सा ये दिखना है कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद जाएंगे हम नॉन फ्रूट क्रॉप, जो हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते। आप रबर देखे होगे, रबर ही पेड़ से होता है, खाने के लिए यूज़ नहीं होता इसमें,
ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया में होता है। मॉइस्ट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा सा उस पानी होना चाहिए वो एयर में, उसका रेनफॉल ठीक ऐसे होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस भी होना चाहिए, ठीक है। रबर जो है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है आपका, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे जूट बनाने के लिए कुछ अलग अलग, सॉरी आप क्या बोल रहे हो, रबर को अलग कुछ बनाने के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए, कुछ अलग चीज़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है रबर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है आपका, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में ये होता है, गारो एंड खासी हिल्स में, मेघालय में होता है, ठीक है। फाइबर क्रॉप आप देखोगे, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हैम्प हो गया, नेचुरल सिल्क, ये सब चीज़ क्या है आपका, फाइबर क्रॉप है, ठीक है, फाइबर क्रॉप है, ठीक है। द फर्स्ट थ्री आर डियर फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन द सॉइल, ये थ्री आपका कॉटन, जूट, हैम्प, ठीक। ये क्या होता है, ये ट्री से होता है, लेकिन ये जो आपका सिल्क है इस कोकोन से आता है, सिल्क वर्म, ठीक है, इसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेरिकल्चर किसको बोलेंगे, सिल्क वर्म को, ये क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा कॉटन देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक कम है कॉटन, थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉटन जो है वो आपका, कॉटन जो है वो आपका ओरिजिनली प्लांट है आपका, प्लांट कॉटन प्लांट से आता है, जो कि आपका मेजर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के होता है, जैसे कि आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देखे होगे, आपका क्लॉथ बनाने वाला। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, चाइना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले बनाता है, ब्लैक सॉइल में होता है, डेक्कन टेरेन में होता है, इसको भी फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री ट्रे कैसे होना, 210 दिन होना चाहिए, नहीं तो फिर होगा नहीं। और इसको 6-8 महीने लगता है खरीफ क्रॉप के तरीके से यूज़ किया जाता है। कौन कौन से एरिया में होता है आपका, बेसिकली आपका होता है तो वो कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में भी कुछ गया जाता है। जूट, जूट जो है वो आपका गोल्डन फाइबर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्डन फाइबर है। और ये जूट जो है वो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, फ्लड प्लेन होना चाहिए, पानी होना चाहिए भी, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, इस जगह पर होना, इस जगह पे होता है, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली गनी बैग्स, मैट्स, रॉप्स, यार्न, कारपेट, ये सब चीज़ बनाने के लिए होता है, हैं। तो ये सब चीज़ है, इसको हम क्या करेंगे ना, टेक्नोलॉजिकली हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप बात करेंगे कुछ इसको डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हमें करना पड़ेगा, अगर इसको थोड़ा सा अलग बेहतरीन करना है, ठीक है, ओके, इरीगेशन फैसिलिटी बढ़ाएंगे, हैं आपका, और क्या करेंगे, अच्छा जहाँ ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन होते हैं उसको भी चैलेंज ऐसे कई चीज़ है, जैसे कि आप ये डिमांड क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी हम इशू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर विद इन प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द इट्स पॉपुलेशन, ठीक। आप देखोगे बहुत सारे किसी किसी का आपका जमी भी नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है, ज़मींदारी ज़्यादा एबोलिशन कर देते, तो वहाँ पर उतना हम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उतना हम लैंड नहीं है जो कि हम उसको कुछ डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी के कारण जब इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 5 ईयर प्लान में रखा गया कि हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना है आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और कुछ ऐसा कारण आ जाता है जैसे कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, किसी का कम जमी है तो किसी का ज़्यादा जमी है, ये सब चीज़ हो जाता है तो हम डेवलपमेंट करा नहीं पा रहे, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ रूल बनाया है, जैसे कि आपका इम्प्रूवमेंट इंडियन एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वाइल्ड रिवॉल्यूशन क्या है, आप एग्रीकल्चर करो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर होता है तो आप एग्रीकल्चर करो। गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोग्राम्स किया है, ठीक है, आपको वो देखना है आपको, ठीक। और क्या क्या है, इंश्योरेंस भी देता है, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, तो इंश्योरेंस भी देता ही देता है। और कुछ बैंक रखा है, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी रखा है, जो कि आपको अगर कहीं लोन की ज़रूरी है, आप नहीं है आपके पास, तो आप दे सकते हो, ले सकते हो, और आप वहीं कर सकते हो। और वो किसान के लिए भी आप क्रेडिट कर रखा है, पर्सनल एक्सीडेंट भी कुछ होगा तो इंश्योरेंस भी देता है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स बनाता है, रेडियो की आप सुनाता है कि आप कैसे करोगे ये सब चीज़, ठीक, ये आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ये सब चीज़ आप देखना है, ठीक है, ओके। और सबसे जब सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था आप देखोगे, ठीक है, जो आपका देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम छोड़ दिए, भूदान एंड क्रांदा, महात्मा गांधी जो डिक्लेयर किए हैं विनोबा भावे एज इन इंस्पिरेट, मतलब विनोबा भावे उनको थोड़ा महात्मा गांधी को मानते थे, तो वो क्या किए, जब भाषण देते थे सत्याग्रही मूवमेंट जब था चल रहा था, तो उस टाइम में
पदयात्रा किए थे, ग्राम स्वराज एक प्रोग्राम किए थे विनोबा भावे ने, तो वहाँ पर एक भाषण देते थे। भाषण देने के टाइम में विनोबा भावे को किसी ने क्या कि सर हमारे पास पैसा नहीं, ज़मीन नहीं है, तो आप एक ज़मीन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? तो बोले थे उस टाइम में विनोबा भावे को, तो विनोबा भावे मना कर दिए, तो हमारे पास उतना पैसा ज़मीन नहीं है, तो हम उतना कर नहीं पाएंगे। तो इसके कारण एक आदमी आता है उस टाइम पे, श्री राम रामचंद्र रेड्डी, उसने बोलता है कि डिक्लेयर करता है कि ठीक है भाई चलो 80 लोगों को जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस विलेजर्स को, हम 80 एकड़ की ज़मीन सबको एक एक एकड़ देंगे बोल के, ठीक है। इसको बोला गया ग्रामदा, ठीक है, समझ में आ गया, सॉरी इसको बोला गया भूदा, ठीक है। और कुछ लोग जमींदार जो है वो गांव-गांव घूमने लगे, जिसके पास लैंड नहीं है तो उसको ज़मीन ही है तो ज़मीन देने लगे, तो उसको हम ग्रामदान बोले, ठीक है। तो ये ये सब चीज़ जो है वो लोगों को ये करना, फार्मर को प्रोवाइड करना कुछ चीज़, ठीक है, उसको नाम दिया गया भूदान ग्रामदान बोलेगी, ठीक है, जिसने विनोबा भावे ने बोला था, और उसको इसी को ही नाम दिया गया ब्लडलेस रिवोल्यूशन, ठीक है, समझिए। ऐसा मतलब इसमें आप देखोगे ऐसा है इसमें कि आपको एक ही वीडियो में आपको 4 चैप्टर का आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो आपको बहुत पसंद आया है तो कृपया आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।